आईपीएल 2021 टूर्नामेंट का 17वां मुकाबला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा है, जिसमें आज ऐसा खेल देखने को मिला जो शायद ही बहुत कम देखने को मिलता है, और वो भी खासकर मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम की खराब शुरुआत रही। शुरू में ही दो बड़े झटके लगने के बाद कप्तान रोहित शर्मा रनों के लिए जूझते नजर आए। एक तरफ विकेट गिरते चले गए, लेकिन दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा अपनी कप्तानी पारी खेलकर क्रीज पर टिके रहे। लेकिन आज वह भी वो तूफानी पारी नहीं खेल पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोहित शर्मा 52 गेंदों में मात्र 63 रन ही बना पाए और उनकी पारी का अंत किया मोहम्मद समी ने। मैच के 18वें ओवर में जब रोहित शर्मा क्रीज पर थे और उन पर पूरी जिम्मेदारी थी कि वो आखिरी के ओवरों में चौके और छक्कों की बरसात करेंगे, तब कप्तान केएल राहुल ने मोहम्मद शमी के हाथों में गेंद थमाई और मोहम्मद शमी ने अपने तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा को आउट कर पवेलियन भेज दिया और शमी की खतरनाक गेंद के आगे रोहित शर्मा का गेम खत्म हो गया। और जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, स्टेडियम में बैठे उनकी पत्नी मायूस हो गई, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 20 ओवर में मात्र 131 रन ही बना पाई। कप्तान रोहित शर्मा के अलावा मुंबई इंडियंस की टीम का कोई भी बल्लेबाज आज नहीं चल पाया, और अब देखना होगा इतने कम लक्ष्य के साथ मुंबई इंडियंस के गेंदबाज कैसा खेल दिखाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैच से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।